हाय गाइस, दिस सोनू और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप अपने एंड्रॉयड टीवी के स्क्रीन सेवर पे कुछ इस तरीके का फोटो, अपना खुद का फोटो लगाना चाहते हो तो किस तरीके से लगा सकते हो, इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी टीवी की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है एंड देन डिवाइस प्रेफरेंसेस को ओपन करना है। इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्क्रीन सेवर के नाम से, सिंपली उसे सर्च कर लेना है। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन सेवर। इसमें आपको बैक दो ऑप्शन मिलते हैं। स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन सेवर में दो ऑप्शन मिलेंगे, बैकड्रॉप और कलर का। तो आपको बैकड्रॉप को सिलेक्ट करना है। बाकी नीचे यहाँ पे अपना टाइमिंग सेट कर सकते हो, कितने टाइम बाद आपका स्टार्ट होने वाला है स्क्रीन सेवर। और बैकड्रॉप नाम से एक एप्लीकेशन आता है आपके प्ले स्टोर पे, तो उसे अपडेट जरूर कर लेना। एक बार प्ले स्टोर को ओपन करके चेक कर लेना कि अप टू डेट है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने सेटिंग्स कर रखी पहले से ही। सो गाइज, यहाँ पे जो पहला फ़ोटो आपका आएगा वो रेंडमली जो आता रहता है स्क्रीन सेवर पे कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन जो उसके बाद जो फ़ोटो आएंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, वो आपके खुद के फ़ोटो आने स्टार्ट हो जाएंगे जब ये सेटिंग्स कर लोगे आप। सो स्टार्ट करते हैं सेटिंग्स कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे आ जाना है और यहाँ पे मैंने Redmi Note 9 Pro को कनेक्ट कर रखा है क्योंकि मेरे पास सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। अगर आपका सेम वाईफाई नहीं है तो ऐसा कोई इशू नहीं, आप अपने फ़ोन के सिंगल फ़ोन के हॉटस्पॉट को भी कनेक्ट करके सेटिंग्स कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो रहता है इस वाले फ़ोन के थ्रू, इस वजह से मैंने ये कर रखा सेटिंग्स। तो सबसे पहले हमें गूगल होम एप्लीकेशन, इसके बारे में पता होगा, इसे ओपन कर लेना होगा। नहीं पता तो इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपली मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आप जब हम कास्टिंग करते हैं, एंड्रॉयड टीवी पे क्लिक करते हैं, सिंपली आपके टीवी नेम शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और ये सेटिंग्स अगर आप किसी भी कंपनी के एंड्रॉयड टीवी यूज कर रहे हो कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल फोटोज स्क्रीन सेवर, यहाँ पे एम्बियंट मोड नाम से आपको देख सकते हो। मैं यहाँ पे जो भी मेरे फ़ोन पे दिख रहा है सेम वही फोटोज टीवी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो सबसे पहले ऊपर एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एम्बियंट मोड के नाम से, सिंपली इसे ओपन कर लेना। और इसमें गूगल फोटोज नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गूगल फोटोज़ को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एल्बम लोडिंग हो जाएगा। लोड होने के बाद आप देख सकते हो मैंने सिलेक्ट कर रखा फैमिली एंड फ्रेंड, जिसमें 57 फोटो हैं, तो वो चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। इसमें मैं आपको आप किसी और का फोटो, जैसे कि देख सकते हो आप किसी सिंगल पर्सन के फ़ोटो को भी अपना दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप किसी को हटा भी सकते हो। देख सकते हो मैंने अभी फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला हटा दिया। और इसे सेव करना बहुत ज़रूरी है, तो ऊपर एरो का जो ऑप्शन मिलता है, जैसे देख सकते हो ऊपर, आपको ज़रूर दो बार क्लिक करना, मैं आगे बता रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो ये मेरा फ़ोटो स्क्रीन सेवर पर आ गया है। और नीचे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वेदर शो करना है, टाइम शो करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप चेक कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड, ये सारी चीज़ें देख सकते हो, कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और नीचे आपको स्लाइड शो का स्पीड कितना रखना है, ये भी आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया स्क्रीन सेवर, इसमें सेटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। जब आप भी कोई भी एल्बम सेलेक्ट कर लेते हो तो ऊपर जो एक एरो का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ऊपर, आपको दो बार ज़रूर क्लिक करना है। देख सकते हो अभी मेरा जो फ़ोन है ये थोड़ा सा बंद हो गया इसका स्क्रीन। तो यहाँ पे ऊपर आपको जब भी कोई सिलेक्ट कर लोगे तो दो बार यहाँ पे क्लिक करना है, एक बार और यहाँ पे दो बार, और यहाँ पे कनेक्टिंग टू एंड्रॉयड टीवी कुछ इस तरीके का लिखेगा, देन आपका ये समझ लेना सेव हो गया है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कुछ भी पूछना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।